नमस्कार सभी साथियों का, केके नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो है क्लोज सील ड्रेनेज या वाटर सील ड्रेनेज। ठीक है, तो इसमें से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज उन सभी क्वेश्चनों को क्लियर कर लेते हैं और आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर सील ड्रेनेज होता क्या है। जो वाटर सील ड्रेनेज होता है वो एक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम है, जिसमें क्या ड्रेन होता है, जिसमें ड्रेन होता है फ्लूड का, एयर का और ब्लड का, इन सभी का ड्रेन होता है। कहाँ से? फ्रॉम प्लूरा। प्लूरा से फ्लूड, एयर और ब्लड का ड्रेन होता है। तो बात करें प्लूरा की, प्लूरा क्या होता है? प्लूरा जो होता है वो प्लूरल सेक, प्लूरस प्लूरल सेक की मेम्ब्रेन होती है जो कि टू लेयर्ड होती है। टू लेयर्ड प्लूरल सेक की मेम्ब्रेन होती है प्लूरा। कौन कौन सी मेम्ब्रेन होती है? एक होती है पेराइटल और एक होती है वेसिरल। ये दो मेम्ब्रेन से मिलके बना हुआ होता है। तो अपने सबसे पहले बात की कि वाटर सील ड्रेनेज होता क्या है। वाटर सील ड्रेनेज एक प्रकार का ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेन होता है जिसमें फ्लूड, एयर और ब्लड। कहाँ से? प्लूरा से। ठीक है, प्लूरा क्या होता है? प्लूरा अपन ने देखा ये एक टू लेयर्ड मेम्ब्रेन है जो कि पेराइटल और वेसिरल मेम्ब्रेन से मिलकर बना हुआ होता है। यहाँ तक क्लियर है आप सभी लोगों को? आगे बात करते हैं इसके पर्पज की। पर्पज की बात कर लेते हैं। पर्पज देख लेते हैं। सबसे पहले पर्पज की बात करें तो ये काम आता है रीएक्सपांड लंग्स। लंग्स के अंदर मानो कोई बाहर से कोई मानो गन शॉट लगा या फिर किसी ने चाकू लगा दिया, उस टाइम पे जो नेगेटिव प्रेशर वहाँ से कम हुआ है उसको रीएक्सपांड, वापस से एक्सपांड करने में काम में लिया जाता है। और सेकेंड बात करें किस किस कंडीशन में काम में आता है, न्यूमो थोरैक्स, हीमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स, हीमोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स, काइलो थोरैक्स। ये सभी कंडीशन को ट्रीट करने में भी वाटर सील ड्रेनेज का यूज किया जाता है। अब बात करें न्यूमोथोरैक्स क्या होता है। न्यूमो मतलब एयर, प्लूरल कैविटी में एयर एक्युमुलेशन हो जाए। हीमोथोरैक्स, हीमो मतलब ब्लड, ब्लड का कलेक्शन हो जाए। बात करें हाइड्रोथोरैक्स, हाइड्रोथोरैक्स में क्या होता है, ट्रांजुडेट, ट्रांजुडेट का कलेक्शन हो जाए प्लूरल कैविटी में। अगर आप बात करें ट्रांजुडेट क्या होता है, ट्रांजुडेट जब ये वेन है, अगर इस वेन पे लगातार प्रेशर बढ़ता हुआ जाएगा मतलब हाई ब्लड प्रेशर के टाइम पे, तो जो इसमें फ्लूड है, जो इस वेन के अंदर जो फ्लूड है वो फिल्ट्रेशन के थ्रू इसमें बाहर की तरफ एक्यूमुलेट होने लग जाएगा, उसको अपन बोलेंगे ट्रांजुडेट।
ट्रांजुडेट अपन समझ गए कि एक ब्लड से जो छनके फ्लूड बाहर आया है उसको अपन बोलते हैं ट्रांजुडेट। तो हाइड्रोथोरेक्स में अगर ट्रांजुडेट का कलेक्शन हो जाए और काइलोथोरेक्स में काइल्स का अगर वहां पे एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसको बोलेंगे काइलोथोरेक्स। ये सभी अपन ने देख लिए। अब बात करते हैं काइल्स क्या होता है, लिम्फेटिक फ्लूड होता है, ठीक है, लिम्फेटिक फ्लूड का कलेक्शन या फिर काइल्स कलेक्शन कहलाता है। अब बात करें इसके स्ट्रक्चर की कि ये कैसा होता है, ये देख लेते हैं। अपन बात करेंगे थ्री बोटल वाला, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें तीन बोटल्स यूज की जाती हैं। वन बोटल भी होता है, टू बोटल और थ्री बोटल मोस्टली जो यूज किया जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसमें एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, हम उसी की बात करने वाले हैं, ठीक है। थ्री बोटल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से एक चेस्ट ट्यूब आएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो फर्स्ट चैम्बर है उसमें आके इसको बोलेंगे ड्रेनेज बोटल। जो फर्स्ट बोटल है इसको बोलने वाले हैं ड्रेनेज बोटल, ठीक है। इसके में बात करते हैं, ये फुली पैक है, ये फुली क्लोज है, इसको बोलने वाले हैं वाटर सील बोटल। जो सेकंड जो कि फुली क्लोज है उसको अपन बोलने वाले हैं वाटर सील बोटल। और थर्ड बात करते हैं, ये है प्रेशर रेगुलेटिंग बोटल। प्रेशर रेगुलेटिंग बोटल इसी को बोलते हैं सक्शन बोटल। इसी को अपन क्या बोलते हैं, सक्शन बोटल, ठीक है। यहां से एटमोस्फेरिक प्रेशर एंटर कर सकता है या फिर रूम एयर, इसके लिए एक पोर्ट छोड़ा हुआ है। ये फुल्ली क्लोज है, यहां से ड्रेन गिरता है और ये एनएस में डिप रहता है, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर आप सभी ने समझ ली, ये एक थ्री बोटल स्ट्रक्चर है। तो ये एक अपने को ध्यान रखना है मोटा मोटा स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर से कभी क्वेश्चन नहीं आते, अपने दिमाग में इमेज क्लियर होनी चाहिए कि ये होता क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ड्रेनेज बोटल में क्या होगा, इसके अंदर ड्रेन आके कलेक्ट होगा, ठीक है। ये एक फुली कवर्ड बोटल है, ये फुली पैक है, फुली कवर्ड है, इसके अंदर ड्रेनेज आके कलेक्शन होगा, ठीक है। ये इसके अंदर देख लेते हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है और एबनॉर्मल कंडीशन में क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है ये बात करता हूं नॉर्मल कंडीशन। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके अंदर वाटर ओसिलेशन देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि इसके अंदर वाटर ओसिलेशन अप्स एंड डाउन या फिर राइज एंड फॉल। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वाटर सील ड्रेनेज जो बोतल है उसके अंदर वाटर का अप एंड डाउन या फिर ओसिलेशन या फिर राइज एंड फॉल देखने को मिल रहा है तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, कुछ नहीं होगा, वो एक नॉर्मल कंडीशन है। इसके अंदर वाटर ओसिलेशन देखने को ही मिलता है,
सबसे इंपॉर्टेंट है ओसिलेशन, वाटर ओसिलेशन, कि इसके अंदर अगर वाटर का अप्स एंड डाउन या राइज एंड फॉल हो रहा है तो नर्सिंग एक्शन कुछ नहीं होगा, उसको मॉनिटर करते रहना है कि ये एक नॉर्मल कंडीशन को बता रहा है। ठीक है, अगर बात करूं मैं ओसिलेशन में अप या फिर राइज, या मैं बात करूं डाउन या फिर फॉल, ये कब होगा, ये जब इनहेल करेगा, तो अप होगा और एक्सहेल में डाउन या फिर फॉल देखने को मिलने वाला है। ठीक है, ये हो गया वाटर ओसिलेशन। एक कंडीशन और आ जाती है दोस्तों, उसमें पूछता है इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट बबलिंग। अगर इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है, उसके अंदर बबल्स आ रहे हैं, तो ये कंडीशन नॉर्मल है या एबनॉर्मल, ये देखने को मिल सकती है। मे बी फाइंड, क्या कह रहा है इसमें, कह रहा है कि इंटरमिटेंट बबलिंग बबल्स देखने को मिल सकते हैं, ये एक नॉर्मल कंडीशन है वाटर ओसिलेशन और इंटरमिटेंट बबलिंग। अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट थ्री स्टार दोस्तों, थ्री स्टार इसी से क्वेश्चन आते हैं कि कंटिन्यूस बबलिंग, कंटिन्यूस बबलिंग यह एक एबनॉर्मल कंडीशन है। एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है कि अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है, और वो किसको बता रहा है, एयर लीकेज। जो कंटिन्यूस बबलिंग है वो किसको बता रहा है, कंटिन्यूस बबलिंग एयर लीकेज, एयर लीकेज जो क्या बता रहा है, कंटिन्यूस बबलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट थ्री स्टार, यही ही क्वेश्चन आता है मोस्टली कि इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है या कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है, बस इसी से क्वेश्चन देखने को मिलता है। अपने को दिमाग में क्लियर रखना है कि इंटरमिटेंट बबलिंग देखने को मिल सकती है, अगर कंटिन्यूस बबलिंग हो रही है तो वो बता रहा है एयर लीकेज को। ठीक है, ये क्लियर है तो आपका क्वेश्चन कभी भी ही गलत नहीं होगा। अब आगे बात करते हैं कि अपन ने वाटर सील ड्रेनेज लगा रखा है, ये तो है नहीं कि वो लगा ही रहेगा, वो जो ओसिलेशन हो रहा है वो धीरे धीरे बंद भी होगा, वो कौन सी कंडीशन में बंद होगा ये अपन देख लेते हैं। ओसिलेशन अगर स्टॉप हो रहा है, अगर यह एब्सेंट हो गया है, वो किस कंडीशन में एब्सेंट होगा ये देख लेते हैं। पहली कंडीशन होगी कि लंग्स जो होंगे री एक्सपांड हो गए, लंग्स अगर री एक्सपांड हो गए तो ओसिलेशन बंद हो जाएगा। सेकंड बात करें, जो ट्यूब है वो अगर बहुत लंबी है, टू लॉन्ग, अगर ट्यूब ज़्यादा लंबी है, इस कंडीशन में भी ओसिलेशन बंद हो सकता है। थर्ड में बात करूं, सक्शन नॉट वर्किंग, सक्शन अगर काम नहीं करेगा, सक्शन जो बोतल है वहां पे अगर काम नहीं करेगा तो ओसिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कंडीशन नॉर्मल कंडीशन है, अगर लंग्स रीएक्सपांड हो गए ये एक नॉर्मल कंडीशन है या एबनॉर्मल, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन है, मतलब कंडीशन को ट्रीट हो गई है अपने। लेकिन अगर ट्यूब टू लॉन्ग है या सक्शन वर्किंग नहीं कर रहा, यह एक एबनॉर्मल कंडीशन है। अपन ने समझ लिया कि ओसिलेशन कब कब स्टॉप हो सकता है,
ये इस देखने के बाद में अब हम बात करेंगे कुछ की पॉइंट्स। की पॉइंट्स देखने वाले हैं जिसमें से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले की पॉइंट देखते हैं, की पॉइंट देख लेते हैं, जो ये ड्रेनेज सिस्टम होगा, जो ड्रेनेज सिस्टम जो होगा वो बिलो दी चेस्ट लेवल। कई बार इस पे से भी क्वेश्चन आता है कि वो जो अपना ड्रेनेज सिस्टम है वो चेस्ट के लेवल में होना चाहिए, अबव होना चाहिए या फिर बिलो। तो राइट आंसर जाएगा बिलो दी चेस्ट लेवल, पहला। सेकंड, अगर बात करता हूं जो ड्रेन हो रहा है, अगर ड्रेन जो हो रहा है, मानो कि फ्लू ड्रेन हो रहा है, जो भी ड्रेन हो रहा है, अगर वो 70 से 100 ml, 70 से 100 ml से ज़्यादा हो रहा है, मोर देन 7200 ml, तो यह एक एबनॉर्मल कंडीशन को बता रहा है, एबनॉर्मल। और अपना काम तुरंत क्या है, इन्फॉर्म टू फिजिशियन। अपना काम यहाँ पे है कि अपन तुरंत फिजिशियन को इन्फॉर्म करने वाले हैं। अगली देख लेते हैं, अगला देखते हैं, अगर ट्यूब पुल्ड आउट हो जाए। अभी एमसीक्यू क्लास चल रही थी, उसमें अपन ने क्वेश्चन पूछा था कि ट्यूब क्या हो जाए, डिसकनेक्ट हो जाए। अगर ट्यूब डिसकनेक्ट, दो कंडीशन होती हैं दोस्तों, एक होती है ट्यूब पुल्ड आउट, मतलब जहां से चेस्ट पे ट्यूब लगा रखी है वो पुल्ड आउट हो जाए, या फिर ट्यूब डिसकनेक्ट, जो वाटर सील में ट्यूब लगी हुई है वो डिसकनेक्ट हो जाए। तो पुल्ड आउट होगी तब अपन करने वाले हैं ओक्लूजिव ड्रेसिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं टाइट टाइट ड्रेसिंग। अगर पुल्ड आउट हुआ है, वहां पे जो होल बना है उससे नेगेटिव प्रेशर कम हो सकता है, ठीक है, और लंग्स कोलैप्स हो सकते हैं, तो वहां पे क्या करना है, टाइट ड्रेसिंग कर देनी है तुरंत, बिल्कुल इमीडिएटली। अगर बात करें ट्यूब डिसकनेक्ट होती है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, अपन ट्यूब को ट्यूब डीप इन एनएस टू प्रिवेंट एंटर ऑफ रूम या एटमोस्फेरिक एयर। एनएस के अंदर डिप करने वाले हैं, जिससे जो बाहर की हवा है वो उसके अंदर एंटर ना कर सके। दोनों ही कंडीशन इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। ट्यूब पुल्ड आउट होगी तब क्या करेंगे, ओक्लूजिव ड्रेसिंग करने वाले हैं, मतलब टाइट ड्रेसिंग करने वाले हैं। अगर बात करें ट्यूब डिसकनेक्ट हुई है, उस कंडीशन में अब ट्यूब को डिप करेंगे एनएस में, ठीक है। अब दो पॉइंट और देख लेते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं, अगर मैं ड्रेन की बात करूं तो जो एयर का ड्रेन होगा और जो फ्लू ड्रेन होगा वो उसकी लोकेशन देख लेते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाता, लेकिन जस्ट फॉर ए नॉलेज देख लेते हैं। तो जो एयर का ड्रेन करेंगे, जो ट्यूब लगाएंगे चेस्ट पे, वो होगी सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड इंटरकोस्टल स्पेस पे होगी। और जो फ्लूड का ड्रेन करेंगे वो करेंगे 8वीं से 9वीं इंटरकोस्टल स्पेस पे उसकी लोकेशन होने वाली है, ठीक है। ये होगा एयर का एंटीरियर अपर,
आगे की साइड और ऊपर की साइड में, और ये होगा पोस्टीरियर और लोअर या बैक साइड। पोस्टीरियर हो गया बैक साइड, मतलब पीछे की साइड में और नीचे की साइड में देखने को मिलेगा ड्रेन। ठीक है, ये फिफ्थ पॉइंट हो गया ड्रेन की। जो लोकेशन होगी ड्रेनेज की, वो चेस्ट में ट्यूब कहाँ पे इंसर्ट करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट पॉइंट की, कि जो ट्यूब होगी उसको रिमूव कैसे करने वाले हैं। ठीक है, जो ट्यूब को अगर रिमूव करेंगे तो एक मैन्योर है वाल्सल्वा मैन्योर। वाल्सल्वा मैन्योर का अपन इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्या होता है, मरीज को क्या बोलेंगे, एयर को, मतलब डीप ब्रीथ करेगा वो, डीप ब्रीथ करेगा उसके बाद में करेगा उसको होल्ड। उसको अपन बोलेंगे सबसे पहले एक डीप ब्रीथ करे, उसको होल्ड करे, उसके बाद में बियरिंग डाउन करे। बियर डाउन मतलब नीचे की तरफ बियर डाउन करे। तो अपन जब ट्यूब को रिमूव करेंगे तो वाल्सल्वा मैन्यूवर का इस्तेमाल करेंगे। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आज की जो क्लास थी वो थी वाटर सील ड्रेनेज के बारे में। अपन ने सभी पॉइंट कवर कर लिए। अगर अभी भी किसी को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। और अगर आपको क्लास पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, धन्यवाद।